नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल 4-5 दिन की रात के बाद शहर में फिर थोड़ी गर्मी पड़ गई है। दिन के तापमान में 4.3 डिग्री का इजाफा हुआ है, रात के तापमान में भी 2.4 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक फिर बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि गुरुवार को दिन का तापमान 40.8 डिग्री दर्ज किया गया। मंगलवार को प्री मानसून बारिश से बुधवार को दिन में पारा अधिकतम 36.5 डिग्री तक ही पहुंच सका था। गुरुवार को रात का तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। एक दिन पहले रात का तापमान 23.6 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग बताया कि महाराष्ट्र में पहुंच चुके मॉनसून की रफ्तार बेहतर बताई जा रही है। अगले 8-10 दिन मॉनसून की अरब सागर ब्रांच सक्रिय रह सकती है। 18 जून तक मॉनसून मध्य प्रदेश में एंट्री ले सकता है। हाँ, जैसे कि अपने साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवा का केंद्र बना हुआ है, इसके वजह से जो महाराष्ट्र से लगे हुए जो प्रक्षेत्र है वहाँ पे तेज हवाओं के साथ बारिश और कहीं कहीं ओले भी पड़ने की संभावना है। इसके लिए हमने कम से कम 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा प्रदेश भर में बारिश की स्थिति बनी हुई है और जो यूपी से लगा हुआ क्षेत्र है रीवा, सीधी, सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, भिंड, वहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ के हीट वेव की स्थिति में आने वाले, जहाँ टेम्परेचर 45 या 100 ऊपर होने वाले हैं और ये स्थिति लगभग 2 दिन ऐसी ही बनी रहेगी। राजधानी भोपाल में लगभग ऐसे ही बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। छुटपुट बारिश किसी एरिया में हो सकती है और टेम्परेचर 43-42 के आसपास बना रहने की संभावना। अलर्ट जारी कहाँ है? अलर्ट जारी किया गया है, अपने जो किया गया है बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, होशंगाबाद और सीहोर जिले में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छोटे आकार के ओले भी पड़ सकते हैं और बारिश होने की संभावना। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।